ये देखो बेटा, ये क्लच प्यारा है ना? खाला बहुत ज्यादा फैंसी है, मैं इतनी ज्यादा फैंसी चीजें यूज नहीं करती। बेटा वेडिंग्स में तो अच्छे लगते हैं ना ऐसे फैंसी आइटम्स। चले एक मिनट तो रुक जाओ। चले ना, कहीं और देख लीजिएगा। चले थैंक यू। इनाया बेटा तुम जरा यहां से अपनी पसंद की कॉस्मेटिक्स तो पैक करा लो ना। तुम तो इधर आओ ना जरा। क्या करते फिर रहे हो ये तुम? क्या हुआ, क्या किया मैंने आप लोगों के साथ ही? तुम ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है, मैंने देख लिया था क्या कर रहे थे तुम। मैंने किया क्या है? अच्छा किया क्या है तुमने? घर चलो जरा तुम्हें बताते हैं, बड़े शर्म की बात है वैसे। इनाया बेटा कुछ पसंद कर लिया? जी खाला ये कलर देखे। हाँ बहुत प्यारे कलर। वो किस मुसीबत में फंस गया हूँ मैं? आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर रही? इसलिए कि बात यकीन करने वाली है नहीं। बेवकूफ समझ रखा है क्या तुमने मुझे? मैंने ऐसा क्या किया जो आप मुझे इस तरह डांट रही हैं, गुस्सा हो रही हैं? क्यों हमेशा ऐसी हरकतें करने के बाद तुम यही कहते हो? मेरे तो समझ में नहीं आता कि तुम्हारा क्या इलाज करूं। एक इलाज है, गला घोंट कर जान से मारते हैं, तब खुश हो जाएंगे आप? सुधरोगे नहीं ना तुम, है ना? कितना प्यारा रंग है ये। हाँ ये क्या किया, दोनों एक कलर के ले लिए? एक्चुअली खाला कह रही थी कि सारिम को ये कलर पसंद है, लेकिन बाकी जो ऑर्डर किए हैं वो अलग कलर्स के हैं। अच्छा इसमें क्या है? आपको पता है मामा, मैं तो जिस चीज़ पर भी हाथ रख रही थी खाला इंसिस्ट कर रही थी कि ले लूँ। इंशाल्लाह देखना आप तुम्हें शहजादी बना के रखेंगी। पप्पू जहीर साहब और उनकी फैमिली आ गए नीचे, आपको इजाज़ अंकल बुला रहे हैं। जहीर साहब की फैमिली आ गई? बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम भी, मैं भी हो जाती हूँ। चलो चलो शाबाश। तो ये शॉपिंग कराई है समीना पप्पू ने तुम्हें? मेरे ख्याल से अगर तुम अपनी पसंद से लेती तो ज्यादा अच्छा रहता, तुम्हारी पसंद काफी बेटर है। लेकिन खैर ठीक है, ये भी ज्यादा यूनिक नहीं है। चलो तैयार हो जाओ, आ जाओ। अरे भाभी आपने खामखा खाने पर तकल्लुफ किया, हम तो 5 मिनट की ड्राइव पे रहते हैं, घर जाके खाना खा लेते हैं। ये भी आपका अपना ही घर है, और खाना क्या, ये तो बस मिल बैठने का एक बहाना होता है। आपका बेटा नजर नहीं आ रहा, घर पर नहीं है क्या? घर पे ही है, आज उसकी तबीयत जरा ठीक नहीं थी तो सुबह से कमरे में ही था, शायद अभी वो हिजाज के पास होगा बाहर। मुझे तो ख्याल ही नहीं रहा कि वो आपसे अभी तक मिला ही नहीं है। आप खवातीन क्या गुफ्तगू कर रही हैं, कहीं हमारे खिलाफ कोई साजिश तो नहीं? ले जब साजिश करने का टाइम था तब तो की नहीं, अब क्या फायदा। अरे बेटा वो तुम्हारे पापा कहाँ हैं? मामा वो पापा की इम्पोर्टेंट फ़ोन कॉल आ गई है, वो अभी आ रहे हैं थोड़ी देर में। आप ज़रा आइएगा एक सेकेंड। एक्सक्यूज मी। पापा वैसाद के रूम में और उनका मूड ठीक ठाक ऑफ है।
कितनी दफा बुलवाया इस लड़के को, इसने मेरी एक नहीं सुनी है। पता नहीं है कि पापा का गुस्सा कैसा है, क्या करूं मैं। वो मैंने कितना समझाया था इसको, चेहरे पर 12 बजे बजाने किसी की बात सुन ले। अब आप देखिएगा, इसको बाबा के जूते पड़ेंगे ना, तभी होश ठिकाने आएंगे। अरे बेटा तुम जाओ ना उसके पीछे, देखो तो सही क्या हो रहा है। कोई फायदा नहीं है मेरे जाने का, आप जाएं, इसको नीचे से नीचे लेकर। मैं ये है बेजाद मेरा बेटा, मिलो। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम। बैठो। और क्या हो रहा है? जी बस काम हो रहा है। लग रहा है तुम्हें खुशी नहीं हुई? पागल हो गई है क्या? इतनी खुश हूँ तेरे लिए, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। बस वो तू दूर चली जाएगी ना तो मिस करूँगी तुझे। कहाँ दूर चली जाऊँगी, दो स्ट्रीट्स छोड़कर तो मेरा घर होगा। इनाया आ जाओ जल्दी से। जी मामा, मेरा बाद में बात करते हैं, घर पर कुछ गेस्ट आए हुए हैं, मामा बुला रही हैं। कौन से गेस्ट? तुम्हें बताया था ना बेजाद के रिश्ते की बात चल रही है, तो वो लोग आज बात फाइनल करने आए हुए हैं। हेलो मिरहा, चुप क्यों हो गई? हाँ अच्छा मिरहा, बाद में बात करते हैं, मामा बुला रही हैं। बाय। अरे आप क्यों अपना बीपी हाई कर रहे हैं? मैं समझा दूंगी ना उसे। आप उसे अपनी जबान में समझा दें तो बेहतर होगा, अगर आइंदा उसने ऐसी बदतमीजी की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। आप फिक्र नहीं करें, मैं उससे बात कर लूंगी। गजब खुदा का, आज तो नाक कटवा दी उसने हमारी। जहीर साहब कितनी मोहब्बत से उसके साथ बात करना चाह रहे थे और साहबजादे का मिजाज ही नहीं मिल रहा था, नाक पर मक्खी नहीं बैठने दे रहे थे वो। ना गुस्सा आ रहा था मुझे कि मेरा जी चाह रहा था कि उठ के दो जूते मारूं उसके। हौसला करें, ठहरे मैं आपको पानी पिलाती हूँ, आप पानी पिए और गुस्सा थूक दें। आज़ाद तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें जरा भी आइडिया बाबा कितने गुस्से में इस वक्त? छोड़े यार, वो कब गुस्से में नहीं रहते। पहली बात तो ये, तुम्हें बाबा की बात माननी नहीं चाहिए, तुम उन्हें कन्वेंस करने की कोशिश करते, और चलो अगर मान लिए तो एटलीस्ट उसे खुले दिल से कबूल तो करो। दिल ही तो नहीं मानता है, सोच सोच कर दिमाग फट जाएगा मेरा, तभी उन्हें सुकून आएगा। आजाद मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है, सुनो मेरी बात। कैसी लगी लड़की तुम्हें? अच्छी है आपा, देखी भाली है, बरसों से जानते हैं, बस बेजाद मान के नहीं दे रहा है। एजाज अलग जिद लगा के बैठ गए, मुझे तो डर है आपा कहीं दोनों की आपस में लड़ाई ना हो जाए। भाई ये काम हो रहा है तो हो जाने दो, तुम्हारा और एजाज का दिल अगर मुतमईन है तो बस ठीक है, फिर क्या मसला है। अब बच्चों की जिद पे तो इतने बड़े बड़े फैसले नहीं होते ना, देखें क्या होता है। वैसे मैं एक बात सोच रही थी सफिया, इनाया और बेहजाद की शादी तुम एक ही दिन क्यों नहीं कर लेती? देखो ना, अब इधर से बेटी घर से रुखसत होके जाएगी, उधर से बहू घर में बेटी बन के आ जाएगी,
ऐसा क्या कह दिया मैंने जो तुम्हें चुप लग गई? ऐसी कोई बात अगर आपके जहन में थी तो आपको पहले कहना चाहिए था ना आपा। अरे अभी अभी ये आइडिया मेरे जहन में आया तो मैंने तुम्हें बता दिया। भाई देखो ना, हम दोनों के रिश्तेदार कोई अलग अलग थोड़ी हैं। खर्चा आधा आधा कर लेंगे और बच्चों की शादियां भी हो जाएंगी। फिर मगर आपा लोग क्या कहेंगे? लोगों को छोड़ो तुम, हमारी बहनों की बात है। एक ही दिन में फंक्शन हो जाएगा, दोनों का फर्ज अदा हो जाएगा। अब कहाँ मैं अलग अलग लोगों को बुलाती फिरूंगी? तुम सोचो तो सही ना। ये सब आपकी बहन की पैसा बचाओ मुहिम है और कुछ भी नहीं है। अरबिक नया शोशा छोड़ दिया उन्होंने। कह तो रही है कि वो हाफ पेमेंट कर रही है। हाफ पेमेंट कर रही, देखूंगा मैं जिस दिन वो ऐसा करेंगी। अरे वो बेवकूफ बना रही है आपको, इतने दिन हो गए अभी तक वो माँ बेटा कहीं शिफ्ट तो हुए नहीं। क्या हो गया आप लोगों को? हाथ धोकर पड़ गए आप मेरी बहन के पीछे? जा रही हैं वो आज अपने घर। अच्छा देखेंगे। आप लोग क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? हम अनाया के लिए सब कुछ कर सकते हैं। मामा आप खाला से बोले हम अपनी गेस्ट लिस्ट दें, हम सब देख लेंगे। खैर छोड़ो इन बातों को, दफ्तर जाने को देर हो रही है, चलो अल्लाह हाफिज़। कुछ समझते ही नहीं है। परेशान मत हो, मैं समझाता हूँ। जाओ। ला हाफिज। ला हाफिज। आखिर जरूरत क्या है यहाँ से जाने की? सब कुछ ठीक तो चल रहा है। क्या मतलब है तुम्हारा ठीक चल रहा है? तुम चाहते हो कि ये लोग इनाया को इस घर से रुखसत करने की बजाय तुम्हें यहाँ गर्दामाद रख लें? आपको अंदाजा है कि उस घर में शिफ्ट होने के बाद हमारे एक्सपेंसेस कितने बढ़ जाएंगे? बिजली के बिल्स, ग्रोसरी, इन सब के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तुम्हारी यही मुफ्तखोरी की आदत तो खत्म करना चाहती हूँ मैं। बाहर निकलो, काम काज ढूंढो, इन लोगों पे कब तक डिपेंड करके बैठे रहोगे? आपको क्या लगता है कि मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा और मुझे जॉब मिल जाएगी? वैसे भी इन लोगों की इतनी फैक्ट्रीज हैं, वो किस काम आएंगे? मैं इकलौता दामाद हूँ इनका। अल्लाह सारे, सेल्फ रिस्पेक्ट भी किसी चीज का नाम है कि नहीं? तुम्हारी वजह से ना रात ढीट होके मैंने सफिया से कह दिया था कि तुम्हारी और बेसाद की शादी एक ही दिन कर दे। क्या सोचती होगी, इतनी एम्बैरेसमेंट हो रही है मुझे। इसमें एम्बैरेस होने वाली कौन सी बात है? इनको शुक्रगुजार होना चाहिए हमारा कि उनकी आम सी लड़की को एक अमेरिकन नेशनल दूल्हा मिला है। उसे किसने पूछना था? बस नहीं करो, अच्छा सुन लेगा कोई, जो मुंह में आता है बकता जाता है। लेट क्यों गए हो? उठो पैकिंग करो, 3 दिन रह गए शादी में, वहां जाना है, सेटिंग करनी है घर की। उठो कुछ काम खुद भी कर लिया करो, सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ा होता है। मैं वहां जाने के हक में नहीं। उठ जाओ सारे खुदा के लिए। लठे दी चादर उत्ते सलेदी रंग माया, आवो सामने आवो सामने, गोलो दी रस के ना लंग माया। बेटा मेरा को तो तुम्हारे पास होना चाहिए था, कहाँ है वो? मामा मैंने उसको फ़ोन किया था, उसका फ़ोन सुबह से बंद है। फिर जब रेशमा को भेजा तो आंटी अंकल ने कहा थोड़ी देर में निकल रहे हैं। आप ऐसा करिए नूरी को एक और दफ़ा भेजते हैं। मैं अभी भेजती हूँ। आज़ाद आज़ाद बेटा तुम्हारी खाला के सारे काम ख़त्म हो गए ना? जी मामा सारे काम हो गए, सिर्फ सारे के कमरे की सेटिंग रह गई है बस। क्या मतलब है ये? यानी सारिम के पाँव में क्या मेहंदी लगी हुई है? गज़ब खुदा का कि अब उसके हिस्से के काम भी हम ही को करने पड़ेंगे। वो साहबजादे तो ऐसे फिर रहे हैं जैसे शादी उनकी नहीं किसी और की हो रही है। एक मिनट ठहरिए, ज़हीर का फोन। हेलो जी ज़हीर साहब, क्या
ये क्या कह रहे हैं आप? ये तुम क्या कह रहे हो ज़हीर? अरे मगर कैसे हो सकता है, 24 घंटे पहले तुम बता रहे हो कि बारात है, कि बताओ आखिर हुआ क्या है भाई? अरे यार सारे खानदान में काट बढ़ चुके हैं, हमारी जगह सही होगी भाई। ज़हीर बात क्या क्या कह रहे थे कि बताए ना क्या हुआ? क्या हुआ बाबा? ज़हीर कह रहा है कि कल बारात लेके बताए हम लोग। इजाज़ बाबा क्या हुआ? इजाज़ बाबा बेटा ऐसे नहीं रोते, दुआ करो कि अल्लाह ताला इजाज को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, हौसला करते हैं। और उसको देखो ना जरा, सफिया सफिया तुम तो हौसला करो ना, बच्चों की तरह रोए चली जा रही हो। तुम हिम्मत हार दोगी तो तुम्हारे बच्चों को कौन हौसला देगा? मत रो, दुआ करो, अल्लाह ताला सेहत देगा इजाज को इंशाल्लाह। बहुत डर लग रहा है आपा, खुदा ना खास्ता ऐसी बातें नहीं करते, ठीक हो जाएगा एजाज इंशाल्लाह। मैं सारिम को फोन करके आती हूँ, कहीं रास्ता ही ना भूल गया हॉस्पिटल का। वो कह रहा था मैं फौरन पहुँचता हूँ, इतनी देर हो गई आया नहीं है। ठीक है गए हो तुम? पहुंचे क्यों नहीं हॉस्पिटल अभी तक? क्या हो गया मामा, क्यों बार बार डिस्टर्ब कर रही हैं? बहुत ही अच्छी फिल्म देख रहा हूं, बस क्लाइमेक्स चल रहा है। शट अप। हद होती है बेइज्जती की और लापरवाही की। तुम्हें कुछ एहसास भी है सिचुएशन का? कोई छोटी बात नहीं है, हार्ट अटैक हुआ है एजाज को, जल्दी पहुंचो हॉस्पिटल। क्या हो गया, मैं कोई डॉक्टर या सर्जन हूं जो सब लोग मेरे बारे में पूछ रहे हैं? आप सब लोग वहां पर हैं ना, मैंने आकर कौन सा तीर मार लेना? Oh my God, सारिम तुम्हें कब वक्त आएगी? सारे खानदान के सामने इंसल्ट करवाओगी क्या मेरी? क्या हो जाता है आपको, फौरन इमोशनल हो जाती है। एक बात तो बताएं, इस वक्त मैं वहां कैसे आऊं? कौन सी की बार गाड़ियों की लाइन लगी हुई हमारे घर में बाहर? सफिया के घर जाओ, वहां पहसाद की गाड़ी खड़ी है, वो लेके आ जाओ। मेरी बात हो गई है सफिया से। हाँ, आ रहा हूं ना। और हाँ, खाला को कह दें कि अपनी बेटी को जहेज में गाड़ी जरूर दें, इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, और नए मॉडल की गाड़ी चाहिए मुझे। जैसे तुम्हारे करतूत है ना, तुम्हें तो कोई अपनी बेटी ना दे। शुरू हो जाती है। हेलो, कोई है? अरे वाह, इतनी तैयारी। गाड़ी की चाबी चाहिए थी मुझे, हॉस्पिटल जाना है। वो जी ड्राइवर आपका बाहर इंतजार कर रहे हैं। ड्राइवर के साथ जाऊंगा जी, गाड़ी तक दे नहीं सकता। आप लोग सही वक्त पर हॉस्पिटल पहुंच गए, वरना हार्ट अटैक भी हो सकता था। अब तो इनकी कंडीशन काफ़ी बेहतर है, फिलहाल इन्हें हम आईसीयू में रखेंगे और कल सुबह इंशाल्लाह रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। बट आर यू श्योर कि सारी रिपोर्ट्स क्लियर आई हैं? जी बिल्कुल, बस आप लोग ये कोशिश करें कि इन्हें किसी किस्म की कोई टेंशन ना हो, इंशाल्लाह ये जल्द रिकवर कर जाएंगे। थैंक यू डॉक्टर। मैं मामा को बता के आता हूँ।
मामा मुझे क्या पता कि बेजात के ससुराल वालों ने एंड मौके पे मना क्यों किया। मुझे तो जवाद ने सिर्फ इतनी सी बात बताई और बस, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता। तुम सारी जिंदगी बुद्धू की बुद्धू ही रहना, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मैं परेशान रहती हूँ। कितनी मर्तबा तुम्हें बोला है आंखें और कान खुले रखा करो अपने। आहिस्ता बोले, ये जो नौकरानी है ना, पल पल की रिपोर्ट देती पप्पो को, तो इनका भी कर लो ना बंदोबस्त। इनकी हथेली पर चंद पैसे रखो, फिर देखना तुम्हारे पीछे कैसे दुम हिलाती हैं। अच्छा, और जो आपका कंजूस दामाद गिन गिन कर पैसे मेरी हथेली पे रखता है, उसको इन पैसों का हिसाब कौन देगा? उफ खुदाया, तुम्हारे तो बहुत ही प्रॉब्लम है भाई। जवाद की कॉल आ रही है। हेलो जी जवाद, कैसे हैं अभिजाज अंकल? अभी तो आईसीयू में है। अच्छा समरा, बेसात का वॉलेट नहीं मिल रहा, चेक करो, घर में तो नहीं भुलाया? अच्छा रुके, मैं देखती हूँ। जवाब मैंने हर जगह देख लिया है, मुझे नहीं मिल रहा है। अब बिजात को बोला कह रहे ना कि अपनी चीजों की हिफाजत करे, ऐसे कैसे उसने कहीं छोड़ दिया? बहस का वक्त नहीं है समरा, चेक करो वहीं कहीं होगा। रुके मैं कमरे में जाके देखती हूँ। ये क्या हरकत थी सारम? तुम जैसा स्टूपिड इंसान मैं सारी जिंदगी नहीं देखा, जिसे ये तक नहीं पता कि ऐसी सिचुएशन में कैसे बिहेव करते हैं। अब क्या कर दिया मैंने? क्या कर दिया क्या मतलब है? एक तो इतनी देर बाद तुम वहां चुंगम चबाते हुए पहुंच गए, आते ही वापस जाने की रट लगा दी, इन आया तक से कोई बात नहीं की तुमने। क्या बच्चों वाली बात कर रही हैं आप? बाप किसी का बीमार है, मैं खामखा वहां खड़ा होकर परेशानी की एक्टिंग करता रहूं, मुझसे नहीं होते सब कुछ। तुम देख लो सारे, पर उनसे भी बेहतरी की उम्मीद ना रखना तुम। तुमने देखा नहीं बेजाद और जवाब कितने नाराज थे तुम्हारे लेट आने पर? मेरे लेट आने पर मूड खराब करने के बजाय उन्हें ये सोचना चाहिए कि लोगों को क्या कहेंगे कि शादी क्यों कैंसिल हुई। तौबा है ये पैसे कहां से आए हैं? क्या हो गया आपको? अब आप आधी रात को मुझसे इन्वेस्टिगेशंस करेंगी? आपके लिए लाया हूं बैंक से। अच्छा बैंक से, और बैंक में कहां से आए हैं? क्या हो गया आपको? बताया तो था कि एक फ्रेंड से उधार लिया आने से पहले यहां। मुझे तो लगता है ये वही पैसे हैं जिनकी वजह से तुम्हारा और जैकी का झगड़ा हुआ था अमेरिका में, और मुझे लगता है कि इन पैसों की वजह से मेरा आपसे भी झगड़ा हो जाएगा। आम खाया पेड़ क्यों गिनती है? इसलिए कि तुम्हारे आम मुझे बहुत महंगे पड़ते हैं, कभी हजम नहीं होते। चाहिए कि नहीं? ऑफ कोर्स चाहिए, लेकिन ये काम है और दो। पूरे क्यों? मेरे कोई खर्चे नहीं है क्या? तुम्हारी शादी पे खर्च होंगे, जब आपको जरूरत होगी मिल जाएंगे। ओके। पता चल गया होगा कि मेरी शादी कैंसिल हो गई, तभी तो यहाँ पर आई हूँ, मेरा मजाक उड़ाने, है ना? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें यहाँ डिग्रेड करने के लिए आई हूँ? और सुनो, तुम्हारी शादी होने ना होने से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। जाहिर है भाई, तुम्हारा क्यों कोई ताल्लुक होगा? मेरी शादी हो या ना हो तुम्हें क्यों कोई फर्क पड़ेगा? और जो कुछ तुमने मेरे साथ किया वो, उसके बावजूद तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ कोई भी ताल्लुक रखना चाहिए? मोहब्बत का ड्रामा करके तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया और अब मुझे ही कसूरवार ठहराना चाह रहे हो। मैंने छोड़ा है तुम्हें? हाँ, हालात तुम्हारे सामने थे, बाबा को मैंने हजार बार बोला कि शादी से इनकार कर दे, लेकिन उन्होंने एक ना सुनी। बस कर दो बेजात, ये बातें हमारे दरमियान बहुत बार हो चुकी है, इन्हें दोहराने का कोई फायदा नहीं है। वैसे अनाया, मेहंदी पे ना आना इतनी बड़ी बात नहीं थी कि तुमने मुझे अंकल की कंडीशन का बताया ही नहीं। यार मैं कॉल नहीं अटेंड करी थी तो एटलीस्ट मुझे आप टेक्स्ट कर सकती थी। तो मम्मी ने जवाद भाई को हॉस्पिटल में देखा और मुझे पता चले, इतनी बड़ी बात तुम मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही थी। तुम भी तो मुझसे इतनी बड़ी बड़ी बातें छुपा लेती हो, कुछ नहीं बताती, और फिर कहती हो कि हम दोस्त हैं।
क्या मतलब है नाया, मैंने तुमसे क्या छुपाया? तुम्हें अच्छी तरह से पता है मेरा कि तुमने मुझसे कितनी इम्पोर्टेंट बात छुपाई है। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही तुम क्या बोल रही हो। तुम्हें मुझ पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है कि तुम अभी प्रिटेंड कर रही हो। आई एम टोटली क्लूलेस, पता नहीं तुम क्या बोलने जा रही हो कब से। बस अब और एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है मेरा, मुझे सब पता चल चुका है तुम्हारे और बेजाब के बारे में। अब चुप क्यों बोलो? अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? अगर मुझे पहले पता होता कि बेजाब तुमसे शादी करना चाहता है तो मैं बाबा को पहले ही कन्विंस कर लेती। ये छुपाने का आइडिया मेरा नहीं तुम्हारे भाई का था, जिसकी मैं बातों में आ गई। और खैर छोड़ो, तो सब कुछ खत्म हो गया। बेहतर है तुम भी यही सोचो कि ऐसा कभी कुछ नहीं था। चलती हूँ। बस बेटा, थैंक यू। किसे पता था कि बेटी की बारात ले जाने के बजाय मैं यहाँ अस्पताल में आ जाऊँगा। बेजाद पहले ही शादी के लिए तैयार नहीं था। मुझे तो लगता है कि मैं अपने बेटे की खुशियाँ देख ही नहीं पाऊँगा। कैसी बातें कर रहे हो एजाज, अल्लाह ने चाहा तो तुम अपने दोनों बच्चों की खुशियां देखोगे। तुम बस जल्दी से ठीक हो जाओ। कैसे ठीक हो जाऊं? ज़हीर मेरे बचपन का दोस्त है, वो मेरे साथ ऐसा करेगा? ये सोचकर ही मेरा कलेजा फटने लगता है। पता नहीं किस बात का बदला लिया है उसने मुझसे। अरे भाई एजाज, आप कल इनाया को रुख्सत करें अल्लाह का नाम लेकर। बहजाद की शादी बाद में भी हो सकती है, और इस बार बेजाद के लिए लड़की मैं खुद देख कर लाऊंगी। आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आप देखिएगा घर बार लड़की सब आपको पसंद आएगा इंशाल्लाह। अगर आप लोग चाहें तो बेजाद की शादी कल भी हो सकती है। कल? बेटा कैसी बातें कर रही हो, हम जिंदगी गुजारने के लिए बात कर रहे हैं, कौन देगा इतने शॉर्ट नोटिस पे अपनी लड़की? आप लोग तैयार तो हो एंड आई एम श्योर कि आपको लड़की भी पसंद आएगी। किसकी बात कर रही हो, खुल के बताओ। बाबा मैं मिरहा की बात कर रही हूँ। अरे वाह, कितना अच्छा आइडिया इनाया का। मिरहा तो वाकई बहुत अच्छी लड़की है भाई, और बचपन से तुम लोगों की देखी भाली है। मैं तो हैरान हूँ कि पहले तुम लोगों के दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई, उसी से रिश्ता कर देते ना बहरजाद का। मेरे ख्याल में लड़की तो बहुत प्यारी है। लड़की तो बहुत अच्छी है, लेकिन आप लोग आपस में ही सब कुछ तय कर रहे हैं। लड़की के माँ बाप से तो पहले पता कर लें। हाँ तो ये कौन सा बड़ी बात है, मैं और सफिया जाके आज ही बात कर लेते हैं उनसे। इतने सालों का साथ है हमारा, बच्चे हमारी नजरों के सामने पलके बड़े हुए हैं, लेकिन कभी इस तरह की बात सोची ही नहीं थी। अब आपने ये बात कर दी है तो एक बात तो आप लोग लिख लें मेरी, कि अगर अल्लाह ने मिरहा और बहजाद का जोड़ लिखा है तो इंशाल्लाह उनकी शादी ज़रूर होगी। एजाज भाई की हालत आप लोगों के सामने है, हम लोग सारे ख़ानदान में कार्ड्स भी बांट चुके हैं। बस यूँ समझ लें कि हम लोगों की इज्जत अब आपके हाथ में है। क्यों सफिया? जी अप्पा बिल्कुल। और भाभी इतने बरसों का हमारा आपका साथ है, आपसे कोई बात छुपी भी तो है नहीं। बहजाद से मैंने पूछ लिया है, हमें कुछ चाहिए भी नहीं, बस आप मिरहा को हमारी बेटी बना दें। लेकिन मिसेस एजाज, हम अपनी फैमिली को क्या बताएंगे, इतनी जल्दी शादी पे लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। अरे कैसी बातें करते हैं आप भाई साहब, मतलब लोगों की बातों की वजह से आप इतने अच्छे रिश्ते से इनकार कर रहे हैं।
आप लोगों की तसल्ली के लिए तो यही बात काफी होनी चाहिए कि मेरा आप लोगों की नजरों के सामने रहेगी। दीवार से दीवार मिली हुई है आप लोगों के घरों की। मेरे ख्याल में आप लोग एक दफ़ा मिरहा की राय मालूम कर लें, आपको फैसला करने में शायद आसानी हो जाए। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है सफिया। बाकी तो जी सब नसीबों के खेल हैं। अगर मिरहा और बहजाद का जोड़ लिखा है तो अल्लाह के सिवा कोई ताकत रोक नहीं सकती। निकाह का जो वक्त लिखा है उसी वक्त पे होगा इंशाल्लाह। मेरा ख्याल है अहमद, हमें मिरहा से एक दफा पूछ लेना चाहिए। हाँ तो फिर बच्ची को यहीं बुलवा लें, घर वाली बात है। नहीं मेरा ख्याल है कि मिरहा से मैं पहले अकेले में बात कर लूँ। मैं अभी आती हूँ। लेना आप लोग प्लीज। जी जी जी। रांझा मेरा रांझा मांझा चार दा बेचारा ओ रांझा मेरा रांझा ओ रांझा मेरा रांझा ओ रांझा मेरा रांझा ओ रांझा मेरा रांझा। आओ बेटा आओ। चलो भाई चल के आराम करो, बहुत रात हो गई है। वो अपन रस्में भी तो बाकी हैं अभी। अरे इतनी सारी रस्में तो करके आए अभी हॉल में, थकी हुई होगी बच्ची, वो भी तो इतना थका हुआ था इसलिए चला गया है। चलो रेस्ट करने दो बच्चों को। चलो बेटा चलो। चलो इस्माइल। बेजाद इधर। 1 2 3 इस्माइल। अरे बेटा बस कर दो, घर भी जाना है। शक्लें देखो भूलिए रह गए तुम्हारी सेल्फीज लेने में। मामा पूरे दिन के बाद अब मौका मिला है तस्वीरें खींचने का, ऊपर से इनाया को भी आपने जल्दी भेज दिया। बेटा उसने क्या घर नहीं जाना था, रात कितनी हो गई है। मामा आ जाए ना प्लीज, एक तस्वीर लो। हम कह रहे हैं अब घर चलने की करो, तुम कह रहे हो बैठ के तस्वीर खिंचवा ले। अरे मामा बैठे ना, बस एक ही तो पिक्चर है बस। अच्छा हमें तो इजाजत दें, अब काफी देर हो गई है। चले भाई बेगम कुछ तस्वीरें बना लें, इस तैयारी को कुछ रिकॉर्ड तो हो हमारे पास। ये तो हो ही नहीं सकता, अब सेल्फीज खींचेंगे तो भी हम सबकी होंगी सेल्फी। आ जाओ और क्या। चल बाबा आप भी हैं फ्रेम में। हां बनाओ बनाओ। ओके ऑन थ्री 1 2 3 स्माइल। Big smile. नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो।